स्विच कर दी मैंने, फिर आउट हो गई। तो yes. तो माइंड गेम्स थे ये, तो इसमें तो कुछ नहीं है, नई बात ये बस एक चीटिंग थी वो। बाबा पाकिस्तान ने ऐसे किया कभी? हाँ किया है, 1979 में टेस्ट मैच हो रहा था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, उसमें विकेट कीपर वॉरेन लीस ने ऐसी बेल्स हटा दी थी यूं करके, तो जो बैट्समैन थे आसिफ इकबाल वो सेंचुरी उन्होंने बनाई थी उस मैच में, उन्होंने बहुत उस पर गुस्सा किया और यूँ उठा के बैट फेंक दिया जैसे तुम फेंकते हो ना कभी कभी गुस्से में, नहीं उन्होंने यूँ साइड पर बैट उठा के फेंक दिया कि आइंदा नहीं करना ये, दोबारा नहीं करना। ये बहुत चीटिंग की थी, बहुत गलत बात थी, मैं उस अपसेट हूँ उससे। हाँ ठीक है तुम्हारे अपसेट होने से क्या होता है, लेकिन मैं प्रेशर तो कम हो गया उस वक्त। Now that is a waste. फिर 1992 में एक मैच हो रहा था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, उसमें इंग्लैंड टीम जो थी वो ऑल आउट टीम थी, डेवन मैलकम बैटिंग कर रहे थे, आकिफ जावेद ने बॉलिंग शुरू की, आकिफ जावेद ने बाउंसर पे बाउंसर किए जा रहे और अंपायर भी इरिटेट हो रहा था, अंपायर ने वार्निंग भी दी, अंपायर ने मना भी किया, लेकिन वो बाउंसर पे बाउंसर किए जा रहे थे उसको। अब आखिरी नंबर के बैट्समैन को बाउंसर थोड़ी करते हैं। खैर जब हो गया ओवर तो अंपायर ने स्वेटर निकाल के बॉलर को दिया, उसमें उसकी बेल्ट में फंस गया, बॉलर जो था वो ये समझा कि अंपायर ने गुस्से में दिया, तो बॉलर उससे अंपायर से लड़ पड़ा, फिर उधर से जावेद मियांदाद आ गए, जावेद मियांदाद भी अंपायर से लड़ने लगे कि तुमने क्या किया है और तुम इसको उठा के दो, उससे माफ़ी मांगो ये वो, उतनी देर में बैट्समैन जो था वो सब भूल गया कि क्या हुआ। अगले ओवर में आकिफ जावेद फिर भागते हुए आए, वही डेविन मैलकम बैटिंग कर रहा था, उसको बाउंसर के बजाय स्लो बॉल फेंकी, वो बोल्ड हो गया, इंग्लैंड की टीम आउट हो गई। दिमाग से खेला है, दिमाग से स्लो बॉल कैसे हो सकती है, ये देखो दो दफा हुए पाकिस्तान के साथ, एक दफा हुए थे 1995 पाकिस्तान की टीम गई हुई थी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेलने, बासित अली बैटिंग कर रहे थे और बासित अली कहते थे कि वो तंग करते थे दूसरे को, अब जैसे तुम बॉलिंग कराने आ रहे हो मैं कहूँ एक मिनट मुझे पानी पीना है, फिर तुम बॉलिंग कराने आ रहे हो एक मिनट मुझे बैट चेंज करना, तो वो बासित अली इस तरह बहुत करते थे, ग्लव्स मंगा लेते थे, कभी विकेट को सही करते थे, कभी साइड स्क्रीन को हटवाते थे, पता नहीं क्या क्या। तो आखिरी बॉल थी दिन की और शेन वॉन शाइन बॉलिंग करा, उसने विकेट कीपर को बुलाया, गप्पे मारने लगे दोनों, टाइम जाया करने लगे, बासित अली प्रेशर में आ गए। अब कहते हैं कि उस वक्त वो लोग पूछ रहे थे कि यार मैच के बाद हम लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन जब आखिरी बॉल फेंकी है बासित अली जो सबको प्रेशर में लाते थे वो खुद प्रेशर में आ गए, शेन वॉन ने यहाँ पर उनके बॉल फेंकी, बासित अली टर्न हुए और बिटवीन हिज लेग्स बोल्ड हो गए। यू वुडंट बिलीव इट, he's done in between his legs. उसके बाद 1996 का जो वर्ल्ड कप हुआ है, तीन चार महीने के बाद ही हुआ था इस मैच के, उसमें आमिर सोहेल बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को चौका मार के उससे यूं यूं करके कहा जाओ बॉल लेके आओ, अगली बॉल में उसने बोल्ड कर दिया, किसी को भाई वेंकटेश प्रसाद का होम ग्राउंड था, आप वहां जाके उसको किसी के घर जाके थोड़ी कहते हैं कि ए बॉल ले गया अब करोगे तो मारूंगा, उसने बोल्ड कर दिया पाकिस्तान में जाके, अगर वो यूं यूं ना करते हम उसको तो थोड़ी देर शायद और खेल लेते। तो क्रिकेट में से मजे मजे के वाकयात होते हैं, तुम देखा करो ना बाबा के पास तो इतनी सीरीज पड़ी हुई है। ओके बाबा मैं क्रिकेट देखूंगा भी और आपसे पूछूंगा।